कश्मीर की सुरथाल का आज 18वां दिन, आज कर्फ्यू हटाने की थी उम्मीद, सुरथाल ने पानी फेरा इस पर। पुलवामा में सुरथाल का आज नया पहलू, बाइकर्स ने निकाली रैली, सीआरपीएफ ने किया मार्च, बारामूला में लौट आई थी बाहर। अमूर सार्फिन के वजीर ने गोदामों का किया दौरा, नईम अख्तर ने बच्चों की पढ़ाई के बताए गुण। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात वाकात, जम्मू कश्मीर की सुरथाल और जम्मू कश्मीर की सुरथाल उर्दू खबरनामे में। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रियासत की सुरथाल का आज 18वां दिन, और आज अगर सरकारी सतह पर कर्फ्यू में डील तो 2 बजे के बाद हड़ताली कॉल में पहले से ही डील का ऐलान किया गया था, ताहम शाम होते होते दोनों का उलट ही हुआ। श्रीनगर की सड़कों पर सुबह सुबह ना तो कर्फ्यू ना हड़ताल, बस ट्रैफिक ही नजर आने लगा था, ताहम दोपहर होते हुए कर्फ्यू भी दोबारा नजर आया और इसके साथ साथ पत्थर जुलूस और नारेबाजी भी सुनाई दी। श्रीनगर के बोहरी कदल और फतेह कदल में भी जुलूस निकला, वहीं नूरबाग छत्ताबल और कमरवारी में निकले जुलूस पर टियर गैस शेलिंग भी हुई। रात का मंजर तो डरावना ही था, वहीं श्रीनगर के हुमहामा में आज भी मुजाहरे हुए और मुजाहरों पर फोर्सेस का लाठीचार्ज और टियर गैस भी चला। बड़गाम के ओमपोरा और दूसरे इलाकों में भी बंद रहा, जबकि श्रीनगर का बिमना और टेंगपोरा भी वही कहानी बता रहा था। जनूबी कश्मीर में कर्फ्यू में कोई डील नहीं थी और दौरान शब ही अनंतनाग के बिजवाड़ा में मुजाहरीन की एक बड़ी तादाद ने पीएचई महकमे की इमारत को नजर आतिश किया था। वहीं आज दिन भर भी यहां हल्के फुल्के वाका देखने को मिले। शाम गए मलिकनाग अनंतनाग में लोगों ने कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करते हुए एक जुलूस भी निकालने की कोशिश की, ताहम फोर्सेज की कार्रवाई से जुलूस मुंतशिर हुआ और यहाँ से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। पुलवामा में बाइकर्स जुलूस निकाला गया और बड़ी देर तक बाइकर्स का ये जुलूस इलाके का गश्त करता रहा, ताहम जुलूस के पीछे पीछे सीआरपीएफ का गश्त भी था और सीआरपीएफ ने यहाँ एक फ्लैग मार्च भी निकाला। बांडीपोरा में भी रिवायती सुरथाल पेश कर हो रही थी, जिस दौरान कहीं खुला तो कहीं बंद नजर आ रहा था। वादी कश्मीर में आज बारामूला का मंजर सबसे दिलचस्प था और यहाँ सुबह से ही तो यूं लग रहा था जैसे जिंदगी लौट आई हो। सड़कों पर ट्रैफिक का जाम और इस जाम के साथ लोगों की भीड़ साफ जाहिर कर रही थी कि बस यही आलम बचा है। उधर बाद दोपहर श्रीनगर के जहांगीर चौक का मंजर बारामूला के बिल्कुल उलट था और यहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मुजाहरा करते हुए पहुंची, जिस दौरान फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे तक हड़बोंग मची हुई थी और यहां नारेबाजी के साथ साथ टियर गैस शेलिंग और बागम बाग बड़ी देर तक देखने को मिली। इसी दौरान शाम गए पाखरपोरा से भी नारेबाजी और जुलूस की खबरें मिली, जिस दौरान बताया जाता है कि यहां पैदा शुदा सुरथाल में 5 लोग जख्मी भी हुए। अनंतनाग के बिजवाड़ा में कल शाम की सुरथाल के दौरान फोर्सेस पर तोड़फोड़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकामी लोगों ने बताया कि फोर्सेस के दस्तों ने पत्थर मारने वालों के बजाय मुकामी आबादी को अताब का निशाना बनाया। मुकामी लोगों ने वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की नोटिस में ये मामला लाने की अपील करते हुए बताया कि फोर्सेस के लोग जब पत्थर मारने वालों से नाकाम हो जाते हैं तो राहगीरों और मुकामी घरों में तोड़फोड़ कर लेते हैं। मैं उस वक्त अपने घर में था, ऊपर से देख रहा था, सीआरपी वालों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने का मुजाहरा किया। उन्होंने घरों के मकानात, लोगों के मकानों को टारगेट किया, शीशे हमारे सब तोड़े, कोई 40-50 शीशे तोड़े, ये छोटे शीशे थे, उन्होंने लाठियों से तोड़े, यहाँ बाकी लोगों पे भी पथराव किया, जो बड़ा अफसोसनाक अमल है। श्रीनगर की सुरथाल के दौरान आज एक शख्स को उस वक्त अपने हाथ जान से हाथ भी धोने पड़े जब मुकामी लोगों के मुताबिक ईदगाह श्रीनगर में पुरतशद्दद हालात के दौरान मुश्ताक अहमद नामी एक शख्स अपनी स्कूटी से गिर पड़ा, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब बर्दाश्त ना कर सका। इधर कश्मीर के हालात के दौरान जहाँ वजीर दाखिला ने कश्मीर की सुरथाल पर दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैलेट के इस्तेमाल को फिलहाल रोकने की बात की थी, वहीं डीजीपी सीआरपीएफ दुर्गा प्रसाद ने पैलेट को नॉन लीथल बताते हुए बताया कि सीआरपीएफ के पास इसका कोई नामुल बदल नहीं है और ये इस्तेमाल करना सीआरपीएफ की मजबूरी भी है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बताया कि पैलेट के नुकसान को कम से कम करने के लिए हिदायत जारी किए गए हैं और अफसरान को यह ताकीद की गई है कि जहाँ भी पैलेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो वो टांगों से नीचे ही किया जाना चाहिए।
और अब जम्मू कश्मीर का दूसरा पहलू, रियासत के वजीर ज़राअत गुलाम नबी लोन हांजूरा ने आज जिला बड़गाम में अफसरान की एक मीटिंग ली, जिस दौरान उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो जिले में लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर को हिदायत देते हुए कहा गया कि बुनियादी सहूलियात अफसरान की दफ्तरों में हाजिरी और तालीम के निज़ाम को वापस पटरी पर लाने के लिए वो हर मुमकिन इकदाम उठाएँ। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अमन अमान को बरकरार रखने में सरकार को अपना तआवुन फराहम करें। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए गुलाम नबी लोन हांजूरा ने बताया कि रियासती सरकार मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए कोशा है और इस ज़मन में PDP का यकीन है कि सभी फरीकें बशमूल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के एक पायदार हल निकाला जा सके। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो इन हालात में यहाँ आए, यहाँ के हालात का जायज़ा उन्होंने लिया, उन्होंने डिफरेंट तबकों के साथ बात की, गवर्नमेंट के साथ बात की, बाकी अपोजिशन पार्टियों के साथ बात की और कुछ लोगों के साथ भी बात की। मुझे लगता है कि वो बड़ा मौसर उनका दौरा रहा और मुझे लगता है कि जो उनके साथ हमारा डिस्कशन जो हुआ, डिफरेंट ये तंजीमों का डिस्कशन जो हुआ, उसके लिए वो इकदाम करेंगे। होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दिया है सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, कि वो बातचीत के लिए सामने आए, कि माहौल साजगार हो, हम बातचीत के लिए सामने आएंगे। आपकी जो कोलिशन पार्टनर है BJP ने ऑफिशियली इनकार किया कि हुर्रियत लीडरान के साथ कोई बात नहीं होगी, तो इस पे क्या स्टैंड है PDP? देखिए, मैं BJP की बात नहीं करूंगा इस वक्त, हमारी जो सरकार है ये चाहती है, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी ये बताया है कि बातचीत ही हल है इस मसले का, और गोली से ये हल नहीं हो सकता, किसी चीज़ से ये हल नहीं हो सकता, ये मसला जो हल होगा ये बातचीत से हल होगा, और हमारी सरकार की ये कोशिश है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए और ये मसला हमारा हल हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है कि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत है, मतलब, और हमने होम मिनिस्टर के साथ भी ये बात की, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, हमने, हम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी ये बात की कि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत से, मतलब PDP का अभी भी स्टैंड है कि हुर्रियत लीडरान के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमारा क्यों नहीं, हमने हमेशा ये कहा है, हमारे मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत है, और हमारा भी ये मौकफ है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये मौकफ है कि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है। अच्छा, पैलेट गन पे बात हुई थी होम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा था कि इसका यूज़ का कम किया जाए, ज़्यादा इस्तेमाल ना किया। DGCRP ने कल कहा कि हम मजबूर हैं पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए, तो इस पे गवर्नमेंट, देखिए होम मिनिस्टर ने क्लियर ये कहा कि पैलेट गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उसके लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। और जो DG ने कहा, मुझे पता नहीं DG ने क्या कहा कि कैसे हो सकता है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब कहता है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हो, तो दैट्स ऑथेंटिक। तो DGP का जो बयान आया है उसको किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, DG का ने अगर ये कहा हो कि पैलेट गन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, आई कंडेम दैट। आपने स्कूलों की बात यहाँ पे की कि रीओपन हो, स्कूल हुए हैं, तो चाहिए कि उस्ताद या बच्चे, कुछ बच्चे स्कूल जाए, तो उनके लिए क्या सिक्योरिटी है, कैसे माँ बाप अलाउ करेंगे अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए? देखिए, हमने शुरुआत की है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कई स्कूल खुले भी हैं, कहीं पर खुदा न खस्ता ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया, और अगर हमें लगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि ऐसी कोई बात है, हम अपने बच्चों को तहफ़ देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप अपर रीजन्स की बात करते हैं कि जो लोअर आपके एरियाज हैं, वहाँ पे तो फिर स्कूल रीओपन होना मुश्किल है? नहीं, रीओपन होना मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन लग जाएंगे, रीओपन हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि हमारे जो हमारे बच्चों के वालदेन हैं वो भी ये बात समझेंगे कि जो हमने स्कूल खोले हैं ये उनके बच्चों के लिए खोले हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, वो आगे बढ़े, और ये हम अपने उनके वालदेन को भी समझना चाहिए ये बात, और मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल। अमूर सार्फीन व अवामी तकसीम कारी के वजीर चौधरी जुल्फकार ने आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ राशन घाटों और गोदामों का मुआयना किया। शहर में राशन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए वजीर ने मौके पर ही हिदायत जारी किए, जबकि दूर दराज के इलाकों में राशन की यकीनी के लिए उन्होंने अफसरान को बजात खुद मौके पर रहने के हिदायत भी दिए। रियासती सरकार की तरफ से मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिला मुहिम की शुरुआत करते हुए रियासती सरकार ने आज अमर सिंह कॉलेज में काउंसलिंग शुरू की। वज़ीर आज़म स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चलाई जा रही स्कीम को शुरू करने के मौके पर रियासती वजीर नईम अख्तर ने बताया कि इसे रियासत के तुलबा मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिला हासिल कर सकते हैं और इस स्कीम के तहत उनकी पढ़ाई और दूसरे खर्चे सरकार बर्दाश्त कर रही है। हमारा यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई थी कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए,
उसमें आज फिर एक बार यहाँ जो 16-17 की का सेशन है उसके लिए आज काउंसलिंग शुरू हो गई है। यहाँ श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में शुरू हो गया और जम्मू में विमेंस कॉलेज गांधीनगर में शुरू हो गया। तो वहाँ पे कुल टोटल हमारे 6,600 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। हमारे यहाँ पे हैं प्रोफेसर अनिल जी जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, उनका जो साथ रहा, सहयोग रहा, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी हिदायत दी और इसमें कुछ हमने रिफॉर्म्स किए इस साल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके और बहुत अच्छे कोर्सेज उनको मिल जाए। दिल्ली तरक्की के वजीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने सिकल डेवलपमेंट स्कीम का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए बताया कि रियासत में सिकल डेवलपमेंट स्कीम के लिए मरकजी सरकार ने 1,601 करोड़ रुपये वाकुजार किए हैं। इस मीटिंग में बताया गया कि मरकजी सरकार की मावनत से चलाई जा रही स्कीम से रियासत के 1,24,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर रोजगार हासिल करने के काबिल बनाया जाएगा।